शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 का महत्वपूर्ण टॉपिक मेंडल का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, यहाँ पर लिखा भी है, पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है कि शुद्धता का नियम, और वो भी किसका, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये युग्मकों की शुद्धता का नियम हम इस परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। परिभाषा दी गई है, एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं के कारक बहुत समय तक साथ रहने पर भी अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो माता पिता के द्वारा संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी माता पिता से अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो इस नियम में ये बताया गया है कि जो आनुवंशिक लक्षण है वो लक्षण कई साल साथ रहने के बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं और शुद्ध रहते हैं। यानी जो हम में लक्षण आए वो हमारे माता पिता से आए, और जो माता पिता में आनुवंशिक लक्षण आए वो उनके पितृज से आए, यानी उनके पूर्वजों से आए, और वो लक्षण आज भी, यानी तीन पीढ़ियां गुजर गई और फिर भी कैसे हैं, शुद्ध हैं, अपरिवर्तित हैं। इसीलिए इन्हें युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। यानी जब युग्मक अगली पीढ़ी में जाते हैं तब जो उसके कारक हैं सब शुद्ध होते हैं और अपरिवर्तित होते हैं, यानी जब परिवर्तित नहीं होते हैं तो वो शुद्ध होते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब इसी परिभाषा को इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में, यानी जब मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध जब मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, यानी मटर के शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, कैपिटल टी की लंबे पौधे के कारक हैं या जीन्स हैं, और स्मॉल टी की शुद्ध बौने पौधे के कारक हैं। यानी उन्होंने जब शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी की जीन्स वाले स्मॉल टी की पौधे के बीच में संकरण कराया, संकरण का तात्पर्य है संयोजन कराया, तो क्या हुआ, जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई उसकी जो संतति थी उसके जो जीन्स आए वो कैपिटल टी और स्मॉल टी आए। यानी कि यही युग्मक यहाँ रखे और ये युग्मक उठा करके यहाँ रखे, तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी लिखने में कैपिटल पहले लिखा जाता है इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से क्रॉस कराया, चारों संतानों का जो जीन्स आया वो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसमें से कैपिटल टी प्रभावी है, यानी कि बौने के आगे लंबा मजबूत है, सशक्त है, इसलिए कैपिटल टी यहाँ पर बौने को दबा देता है, स्मॉल टी अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, जिसके कारण टी प्रभावी हो जाता है। प्रभावी होने के कारण चारों संतति लंबी उत्पन्न हुई, और जब इसी संतति को उठा करके यहाँ रखा गया, यानी जो ये संतति आई उसका स्वपरागण, यानी उन्हीं संतानों के साथ फिर से परागण कराया गया, और फिर क्या देखा गया कि F2 पीढ़ी में जो संतति आई उसके जो जीन्स थे वो एक शुद्ध लंबा, यानी कैपिटल टी का जीन्स से क्या हो गया, शुद्ध लंबा, और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी उसका जो लक्षण आया वो संकर लंबा, यानी यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा है पर संकर है, संकर का मतलब होता है मिश्रित, यानी यहाँ पर बौने के भी लक्षण कैपिटल टी की वजह से आए और स्मॉल टी की वजह से आए, और कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे का लक्षण है, इसलिए यानी दोनों के लक्षण मिश्रित होने के कारण ये पौधा संकर हो गया, लेकिन है कैसा, लंबा, क्योंकि यहाँ पर टी प्रभावी है और स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी है।
एफ टू पी डी में कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्रकार की संतति आई जिसमें से एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे और एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। यानी कि जो एफ टू पी डी है उसमें जो जीन्स हैं वो 3:1 के अनुपात में निश्चित अनुपात में बट गए, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और जो लक्षण आए वो कैसे आए, शुद्ध आए, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जीनोटाइप से तात्पर्य है इसके जीन्स यानी कैपिटल टी टी का एक है और कैपिटल टी स्मॉल टी के दो पौधे हैं, इसलिए 1:2 और एक स्मॉल टी का पौधा है इसलिए 2:1। फीनोटाइप से तात्पर्य है इसका बाह्य लक्षण जो हमें दिखाई देता है या जो भौतिक रूप, यानी भौतिक रूप क्या है कि 3 लंबे हैं, यानी एक शुद्ध लंबा, संकर लंबा और तीसरा भी संकर लंबा, इसलिए कितने 3 लंबे हो गए और एक बौना, इसलिए 3:1 फीनोटाइप आया। इस प्रकार ये मेंडल का द्वितीय नियम समाप्त होता है।